हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का चारों तरफ हो रहा है विरोध। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवरा ने भी इसकी की निंदा। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये किसानों की हकों पर वार करती जा रही है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कोरोना के चलते किसानों की रैली पर मनाही है तो अपने सभी प्रोग्राम क्यों करती है। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार लेकर आई 3 अध्यादेश। इनेलो पार्टी के नेता ओंकार सिंह ने भी कुरुक्षेत्र में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सरकार पर अंबानी अडानी को फायदा और किसानों को मजदूर बनाने का लगाया है आरोप। कांग्रेस पार्टी के नेता वेणु अग्रवाल ने भी कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने के काबिल बनाया उन्हीं पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी रही है और इस लड़ाई में वो उनके साथ है। आने वाले 21 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का चारों तरफ हो रहा है विरोध। इस पर सभी पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने भी इसकी घोर निंदा की है। उनका कहना है कि 2014 में सरकार किसानों के दम पर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर सत्ता में आई थी, पर जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों के हकों पर वार करती जा रही है। कि हमारे अन्नदाता प्याज सरकार ने बिना किसी वजह से लाठीचार्ज किया है। ये लाठीचार्ज, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये सरकार के ताबूत में आखिरी की साबित होगा। सरकार का तख्ता हिला के रखते हैं किसान। किसानों की आय दुगनी करने का नाम लेती है बीजेपी सरकार। 2014 में जब सत्ता में आने का इनका वादा था तो इन्होंने कहा था कि वर्ष 2020 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब ये कहते हैं 2022 तक दुगनी कर देंगे। दुगनी तो क्या, ये आधी भी नहीं रहेगी। किसान बेचारा बर्बाद हो रहा है। जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, पहला अध्यादेश व्यवसायीकरण का, कृषि के व्यवसायीकरण का। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में से हमारे गेहूँ चावल इनका मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है, इनमें से इसको बाहर निकालना। और तीसरा, मंडीकरण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करना। सरकार ये कहती है कि हम किसान की आय दुगनी करने के पक्षधर हैं, इसकी आय बढ़ाने के पक्षधर हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसान की आय बढ़ाना चाहते हो, इसकी आय दुगनी करना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं इन अध्यादेशों को संसद में लेके जाते, संसद में बकायदा पास कराओ। इनको चोर दरवाजे से राष्ट्रपति से आपने अध्यादेश पारित करवाए, उस अध्यादेश राष्ट्रपति तब पारित करता है जब देश में आपातकालीन स्थिति हो या फिर देश में संसद विराजमान ना हो। संसद हमारी विराजमान, आप प्रस्ताव को जो भी अध्यादेश है उनको संसद के पटल पर रखो। संसद जनता का मंदिर है, वहां पे संसद ये अध्यादेश पास कराओ। फिर अगर आप कहते हो कि ये किसानों के हक में है, तो इतने करोड़ों किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सारे बेवकूफ हैं? क्या इन्हीं के मंत्री संतरी समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ जनता बैठ गए? अगर आप इनको साबित करो, एक मंच बनाओ, मंच में किसान नेता को बुलाओ, जनरल पब्लिक को बताओ कि ये इसके बेनिफिट है। अगर उनके बेनिफिट में होंगे तो विरोध कोई भी नहीं करेगा। ये जो विरोध कर रहे हैं किसान, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अध्यादेश लागू होने के बाद आने वाले समय में किसान एक मजदूर की हालात में बदल जाएगा। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये जो हमारी सरकार के राज में हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने लायक बनाया, उन्हीं के ऊपर वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज ऐसे अध्यादेश वो लेकर आए हैं, जब किसान भाई अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो वो उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा से किसानों की हितैषी रही है और किसान भाई घबराए नहीं, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। और बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में आने वाले 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिले वाइज आंदोलन होगा। हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम किसानों के साथ। मैम, सरकार का कहना है कि कोरोना काल के चलते ये फैसला लिया गया है कि कोई रैली ना करें, उसके बावजूद किसानों ने रैली की। अच्छी बात करती है सरकार, तो अपनी रैलीज वो जगह जगह जाते हैं, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। चाहे उपचुनाव के दौरान हो, चाहे कोई भी रैलीज वो हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी का जब बने, उनका इतना बड़ा उन्होंने उत्सव मनाया, इतनी बड़ी रैली की, इतनी जनसंख्या वहाँ इकट्ठी हुई, तब कोरोना नहीं था। और हमारे किसान भाई अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कोरोना हो गया। किसानों का जो आज का प्रदर्शन है बहुत ही जायज है और ये किसान अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाली उनकी फसलें, और जैसा कि उनके लीडर ने कहा कि ना केवल फसलें, उनकी नस्लें भी खतरों में डलने वाली हैं।
जिस तरह से सरकार ने अपने आप को खेती में से खींच कर आज प्राइवेट कंपनियों को वहाँ पे घुसा दिया है, ये बिल्कुल उनके नारे पे पूरा उतरता है। मोदी सरकार ने आने से पहले कहा था मिनिमम गवर्नमेंट, वादा तो मैक्सिमम गवर्नेंस का था, पर गवर्नेंस के आड़ में मैक्सिमम कॉरपोरेट कर दिया उन्होंने। हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन करके आज लोगों को घुसा रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने 2014 के चुनाव को में किसानों पर अपनी जीत आधारित करी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी, लेकिन आते ही इन्होंने भूमि अधिग्रहण के नियम बदले, उसमें किसानों के हक, उनके मुआवजे, उनके जो थे उनकी आवाज़, उनकी अपील, हर चीज़ को ढीला करने की कोशिश करी। और तब से लेके आज तक एक के बाद एक MSP गिरता चला जा रहा है, फसलें इनकी उठती नहीं है, किसानों को किसी तरह की लागत पे हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पे कीमत बढ़ रही है, डीजल देख लीजिए कहाँ चला गया है, और बिजली पानी का प्रावधान करने की जगह सरकार ने हमेशा किसानों से कहा कि अब ये खेती बंद कर दो, वो खेती बंद कर दो। खेती को किसान को सिंगोड़ते चले जा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि 65% के करीब इस देश की जनता खेती से जुड़ी है, चाहे उसकी अपनी ज़मीन है या वो खेती से काम करके कमाती है। आज ये जो भाजपा सरकार ने कोरोना की आड़ में 3 अध्यादेश लागू करने की जो इन्होंने वो करी है, ये असल में कहीं ना कहीं सोच ये थी कि कोरोना के चलते, क्वारंटाइन के चलते, लॉकडाउन के चलते किसान सब ज़मीन पर उतर के, सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ये अध्यादेश जो हैं कहीं ना कहीं किसानों का जो है भविष्य धूमिल कर रहे हैं। सरकार को आज उन पर लाठीचार्ज करने की नौबत ही क्यों आने दी? सरकार को 10 दिन पहले भी पता था, महीना पहले भी पता था, 2 महीना पहले भी पता था कि किसानों को, देश के अन्नदाता को ये अध्यादेश मंजूर नहीं है, तो उन्हें टेबल पर बिठा के बात करनी चाहिए थी, उनको साथ लेना चाहिए था। इस तरह से उन्हें मजबूर करना और आज लॉकडाउन का बहाना कर उन पर डंडे बरसाना, जबकि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, किसी तरह की हिंसक वारदात किसानों ने वहाँ पर कोई जनरेट नहीं करी है। भाजपा के सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकते हैं, इनके नए अध्यक्ष के स्वागत हो सकते हैं, पौधारोपण के कार्यक्रम हो सकते हैं, गैदरिंग हो सकती हैं, सब हो सकता है, लेकिन हक की लड़ाई इस तारीख में लड़ने को बाहर निकलेगा तो उस पर डंडे बरसा दिए जाएंगे। तो ये अमानवीय है और ये भाजपा सरकार का किसान विरोधी, जन विरोधी, गरीब विरोधी जो है चेहरा दुनिया के आगे साफ कर रहा है। देखिए, हमारे बहुत से दोस्त आर्मी से भी जुड़े हुए हैं, 5 एरोप्लेन्स हैं, उनकी इंडक्शन होनी है, तो कोई एयरफोर्स का ऑफिसर भी करा सकता है। इसको खबरों में बनाए रखने के लिए आज के दिन की सारी TRP किसानों से उसका मुंह मोड़ के इन एरोप्लेन्स पे डालने के लिए आज ये मैं समझती हूँ किसी ना किसी से उन्होंने प्रावधान करके ये कार्यक्रम रच दिया है। हर TV प्रोग्राम पे ये चलता रहेगा, किसान जो सड़कों पे जूते खा रहा है, डंडे खा रहा है, उसकी एक बार फिर से जो है उसकी तस्वीर हटा दी जाएगी आंखों के आगे से। तो ये तो इनकी प्लानिंग के तहत था, इतनी क्या बड़ी बात है? 5 एरोप्लेन्स लैंड कर चुके, 5 ही तो आए, और अगर आए भी हैं तो इंडक्शन कोई भी यहाँ पे कर सकता है, इतना बड़ा उसके अंदर तामझाम, इसको तमाशा बनाना। इन्होंने पॉलिटिक्स को और TV को वही कर दिया जो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। जिस दिन कोई बड़ी खबर आनी थी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है लगभग 24% से नीचे जा रही है, उस दिन सारा किसी और खबर ने कहीं पे कंगना जी की खबर हाईलाइट हो जाएगी, कहीं पे रिया की खबर हाईलाइट हो जाएगी। ये देश के मुद्दे नहीं हैं, ये क्राइम्स हुए हैं, ये एपिसोड्स हैं, इनके अंदर लॉ अपना ड्यू कोर्स ले, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो लॉ में जाके लड़ लें। ये सारी लड़ाइयाँ उसी दिन TV पे क्यों लड़ने लड़ जाते हैं, जिस दिन कोई भी राष्ट्रीय हित से या राष्ट्रीय वास्तविकता से जुड़ा कोई मुद्दा हो। तो ये तो भाजपा की प्लानिंग है और ये बड़े दुख की बात होगी अगर हमारी जनता इस बहकावे में आज आ जाती। मैम, कहीं ना कहीं आपका साफ तौर पे कहना है कि राफेल का जो आज सेरेमनी है वो इनकी सोची समझी। यस, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। आज अम्बाला में ये प्रोग्राम कर देना, आज पीपली पास में ही है, वहाँ से सारे मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट कर देना, लोगों में एक फील गुड फैक्टर पैदा करने की इनकी जो एक साइकोलॉजिकल इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि कुछ भी हो रहा हो आपके अंदर एक भावना थोड़ी अच्छी सी बनी रहे, उसके अंदर ये कर दिया। इतना बड़ा तामझाम कुछ था ही नहीं, 5 एरोप्लेन्स हैं, इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री को आने का कोई प्रोटोकॉल, कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे देश की सरहद पे इस वक्त चाइना अटैक करने आ रहा है, हमारे पास वॉर की स्थिति बन रही है, हमारे मिनिस्टर्स के पास इससे ज़्यादा बड़े मुद्दे होने चाहिए काम करने के लिए।